नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे दोस्तों बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE फ़ोन के बारे में। दोस्तों एक सैमसंग की तरफ से एक काफ़ी लेटेस्ट डिवाइस है, सैमसंग का फैन एडिशन 21 FE। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका था जिसको मैंने अपडेट कर लिया, तो उसी के बारे में दोस्तों आपसे बात करूँगा। तो ये देखिए, आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा जो कि दोस्तों मैंने कल डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। तो ये देखिए, यहाँ पे अभी कोई भी अपडेट नहीं है, लेटेस्ट अपडेट है। तो मैंने जो अपडेट किया उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कल किया था 23 मई को शाम को। तो इस अपडेट में दोस्तों मैं क्या क्या मिलता है, और इस अपडेट को जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे, और इसका साइज़ क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ इसके साइज़ की। तो इसका साइज़ है 954 MB का, 955 MB आप को पूरे 1 GB समथिंग आपको देना पड़ेगा। सिक्योरिटी पेज लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो वो है 1 अप्रैल 2023 का, और इसमें दोस्तों आपको अपडेट में जो चेंजेस हो गए मिलते हैं वो है बन UI के अंदर। इसमें आपको बन UI 5.1 का दोस्तों जो इसमें अपडेट जो सिस्टम दिया गया है उसमें आपको चेंजेस हो गए मिलेंगे, जिससे आपका फ़ोन और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो ये देखिए, जब आप अपने फ़ोन में इस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो आपके फ़ोन में दोस्तों सबसे पहले ऊपर दिया जाए सिक्योरिटी दोस्तों जो होती है सिक्योरिटी पैच, ये इम्प्रूव कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों एक अभी अप्रैल का हो चुका है, मई चल रही है तो लेटेस्ट है। आपके डिवाइस को दोस्तों स्टेबिलिटी होती है जो परफॉर्मेंस, वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और दोस्तों कुछ बक्स आ रहे थे इसमें लास्ट अपडेट को लेके, जैसे कि बैटरी को लेके, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, थोड़ी लैगिंग वगैरह कर रहा था, हीट वगैरह होता था, तो इसको दोस्तों फिक्स करने की पूरी इसने कोशिश की है पहले के मुकाबले। अभी इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे जो बक्स हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, बैटरी आपकी पहले से थोड़ी अच्छी चल रही है। और दोस्तों इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वो थी बैटरी को लेकर, चार्जिंग को लेकर, बैटरी में वो थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा था, बट जब दोस्तों मैंने इसको कल इसको इंस्टॉल किया इस अपडेट को, उसके बाद दोस्तों मैंने इसको चार्ज किया तो इसकी चार्जिंग में दोस्तों पहले से काफ़ी बढ़ गई है पहले के मुताबिक। तो ऐसे ही यार दोस्तों, आपको जो छोटे छोटे अपडेट जो मिलते हैं इनमें आपको ऐसे ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं जब आप इन अपडेट को अपने फ़ोन में टाइम पर कर लेते हो तो, क्योंकि सैमसंग का करता है जब भी कोई अपडेट देता है नया तो उसमें हमें छोटे मोटे बग्स देखने को मिलते हैं, बट सैमसंग अगले ही अब उसके कुछ ही दिनों बाद दूसरा अपडेट दे के वो जो बग्स होते हैं उनको सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो यही चीज़ सैमसंग की सबसे अच्छी लगती है कि सैमसंग अपडेट के मामले में सबसे आगे रहता है। तो अगर आपके फ़ोन में जब अपडेट आया है तो आप फटाफट से कर लो, और ये अपडेट करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं, और अगर कोई बक्स भी देखने को मिला है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं दोस्तों उसके अपने फ़ोन में चेक करके देखूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं सारी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।